लैपटॉप के साइट पर चलना होगा, वहाँ आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना होगा। क्रोम ब्राउजर पर आपको गूगल में सर्च करना होगा मंत्रा आरडी सर्विस। ऐसे आप क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले मंत्रा की साइट दिखाई देगी, उस पर आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको कैप्चा कोड डालना होगा, तो मैं अपना कैप्चा कोड फिल कर रहा हूँ। आपको कैप्चा कोड फिल करके सबमिट पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको विंडोज डाउनलोड MFS100 RD सर्विस इसमें से आपको इंस्टॉल करना है। जो ये नया अपडेट आया है कि आधार कार्ड ऑथराइजेशन API 2.5 एंड EKYC API 2.5 कंपेटेबल, ऑल्सो डाउनलोड एंड इंस्टॉल ड्राइवर सेटअप। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये मंत्रा सर्विस के डाउनलोड करना है। तो मैं ये अपना मंत्रा RD सर्विस आप नीचे देख पा रहे होगा, ये डाउनलोड होना चालू हो गया है। नेक्स्ट आपको करना क्या है, इसमें आपको ओपन करना है। तो यह हमारा ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको ड्राइवर्स भी डाउनलोड करने होंगे। तो यह हमारा डिवाइस का प्रोडक्शन सेटअप है। अब हम इसके ड्राइवर को भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये मेरा ड्राइवर्स भी डाउनलोड हो रहे हैं। तो चलते हैं अब मेरे डॉक्यूमेंट की साइट पर। तो मैं डाउनलोड पर जाता हूँ, तो मैंने पहले से ही मंत्रा का वो डाउनलोड करके रखा है। तो मैं आपको वही इंस्टॉल करके दिखाऊंगा कि उसको कैसे इंस्टॉल करना है। तो ये मैंने मंत्रा की एप्लीकेशन खोल ली है। तो इसमें सबसे पहले आपको मंत्रा RD सर्विस दिखाई देगी और उसके बाद ड्राइवर्स। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले आपको मंत्रा RD सर्विस को करना है। उसके लिए पहले आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैं रिप्लेस कर देता हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ ही है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, ये RD सर्विस को पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको उसका RD सर्विस इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस पर आपको ये सेटअप आएगा, प्राइवर वर्जन सीज वॉज डिटेक्टेड, यू हैव अनइंस्टॉल इट। तो ये इस पर यस करना है। तो आप जैसे यस पर क्लिक करोगे तो आपका ओल्ड वाला ड्राइवर सब निकल जाएगा। तो ये देखो मेरा प्रोसेस चालू हो गया है, ये मेरा ओल्ड वाला ड्राइवर निकल जा रहा है। अब जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको नया वाला ड्राइवर इंस्टॉल करने का ऑप्शन भी आ जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलो ये हमारा ये कंप्लीट होने वाला है पहला सेटअप। तो हम पहले नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, सब इंस्टॉल कर देते हैं। तो ये हमारा सेटअप इंस्टॉल हो गया है। अब इसको हम अभी कंप्लीट करते हैं और अब हमें चेक करते हैं कि हमारा RD सर्विस चालू हुआ है कि नहीं। तो जैसे मैं अनप्लग करता हूँ तो नो डिवाइस प्रेजेंट ऐसा दिखाता है। तो मैं फिर से अपना ड्राइवर इंस्टॉल करता हूँ। तो इसके लिए मैं फिर से इंस्टॉल पर क्लिक करूँगा। तो ये मेरा फाइल एक्सट्रैक्ट हो रहा है और ये इंस्टॉलिंग हो रहा है। MFS100 का ये अब इंस्टॉल हो रहा है। सब कुछ इंस्टॉल होने के बाद करना क्या है कि आपको फिर से चेक कर लेना है कि आपका डिवाइस प्रेजेंटली इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये चेक करना मत भूलिएगा। तो मैं फिर से अभी चेक कर रहा हूँ। तो मेरा देखो सीरियल नंबर आ गया है, मंत्रा का नाम भी आ गया है और ये सब कुछ आ गया। मैं कैप्चर करके देखता हूँ। तो मैंने जैसे ही कैप्चर पर क्लिक किया तो मेरा फिंगर आ गया है। अब मैं इसको एग्जिट करता हूँ और इसको फिनिश करता हूँ। तो अब मैं देखता हूँ कि सचमुच मेरा इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं गूगल पर जाता हूँ और उस पर गूगल पर सर्च करता हूँ मंत्रा RD सर्विस डिवाइस चेक। तो जैसे ही मैं RD सर्विस टेस्ट पर क्लिक करूंगा तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, टेस्ट मंत्रा RD सर्विस। तो आपको स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरा पोर्ट डिस्कवर तो हो गया है पर आप डिवाइस नॉट कनेक्टेड ऐसा दिखा रहा है। तो अब आपको करना क्या है, तो आपका ऐसा कंप्लीट लग हो तो फिर से अपना जो USB ड्राइव है वो निकाल देने का है और फिर से डाल देने का है। तो मेरे आप कंप्यूटर के स्क्रीन पर देखोगे कि नीचे की ओर फिर से आएगा। तो
कि आपका कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मेरा अभी कनेक्ट नहीं हुआ है, शायद मैं फिर से टेस्ट करके देखता हूँ, शायद कोई प्रॉब्लम आई हो। तो मैं फिर से चेक कर रहा हूँ, सब कुछ कंप्लीट ही दिख रहा है पर कोई प्रॉब्लम लग रही है। तब ऐसे करते हैं कि अभी इस आरडी सर्विस को हम निकाल देते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, आपको आरडी सर्विस निकाल देना है और फिर से इसको इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको फिर से इंस्टॉल कर देना और फिर से आपको कंप्यूटर रिस्टार्ट करना है और गूगल पर जाकर आपको फिर से सर्च करना है आरडी सर्विस टेस्ट। मैंने सब कुछ फिर से इंस्टॉल किया है और टेस्ट क्लिक पर हम क्लिक करते हैं फिर से। तो दोस्तों ये मेरा पुट इन फिंगर एरर सब कैप्चर अब कंप्लीट हो गया है और एरर कोड में सक्सेस दिखा रहा है, यानी कि मेरा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। तो दोस्तों जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करना ना भूले प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी मैं आपको मेरा बैलेंस चेक करके दिखाता हूँ कि सचमुच मेरा आरटी सर्विस इंस्टॉल हुआ है। तो मैं अपना स्पाइस मनी का पोर्टल खोल रहा हूँ, मैंने अपना पासवर्ड ये सब डाल दिया है। तो जैसे आपको इंटरफेस खुलेगा तो हम एपीएस पर क्लिक करेंगे और अपना जल्दी से अपना मोबाइल नंबर उस पर एंटर कर देंगे। इंटरफेस खुल गया है, मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है, अपना आधार कार्ड नंबर डाला और अभी हम बैलेंस चेक पर क्लिक करेंगे और मेरा सेंट्रल बैंक का है, उस सेंट्रल बैंक को हम क्लिक करेंगे। जैसे सेंट्रल बैंक पर क्लिक करेंगे और कैप्चर फिंगर आएगा तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरा बैलेंस जीरो है और ये सक्सेसफुली मेरा मंत्रा का टेस्ट हो गया है कि मेरा सर्विस चल रहा है। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।